तो नमस्कार किसान भाइयों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है नए वीडियो पर। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं अभी हम कौन सा प्लाट पर, ये है बरबट्टी का प्लाट। ये देखिए पूरी की पूरी लाल बरबट्टी, ये देखिए ना फल किस प्रकार से आ रहा है इसमें, काफ़ी अच्छा फल आ रहा है, कितना घना है, गुच्छे में फल आ रहा है। अगर इस प्रकार से हमारे किसान भाइयों को फल दे कोई सही बरबट्टी, कोई सही वेरायटी, तो आपको जो बेनिफिट है काफ़ी अच्छा, उत्पादन काफ़ी अच्छा इसमें मिल रहा है। दो हार्वेस्टिंग के लगभग लगभग इसका हो चुका है। आगे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कौन सा क्या है। और मैं हमारे किसान भाई को बोलना चाहूँगा, आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी हो जाकर के देखिएगा। जस्ट ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो रही थी, हल्का फुल्का कहीं कहीं फल इसमें आ रहा था, छोटा छोटा फल आ रहा था। मैं उसके बारे में वीडियो बनाया था, आपने जाकर के देखिएगा, 5-6 दिन 7 दिन पहले वीडियो पोस्ट हुआ है हमारे चैनल पर, तो जाकर के वीडियो देखिएगा, नॉलेज आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलेगी। तो हमारे किसान भाई को ये बोलना चाहूँगा कि आज की वीडियो पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, A to Z जानकारी दूंगा कि बरबट्टी खेती कैसे करें, मेंटेन कैसे किया जाता है, क्या करें। तो अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे किसान भाई, ये रहा बरबट्टी का प्लाट, और हमने इस बरबट्टी को कम से कम 10 डिसमिल के एरिया पर लगाया है। ये देखिए लाल बरबट्टी है, उत्पादन काफ़ी अच्छा हमको दे रहा है। देख सकते हैं क्वालिटी किस प्रकार से रहा है, लंबा काफ़ी अच्छा है। ये देखिए कम से कम 50 सेंटीमीटर के करीब का ये एक ही बरबट्टी है। और मैं हमारे किसान भाई को ये बोलना चाहूँ, इसमें वेरायटी कौन सी लगी हुई है, इसमें लगी हुई अंगूर सीड्स की तरफ से आने वाले रेड एम्पायर वेरायटी का हमने इसमें चयन किया है। उत्पादन काफ़ी अच्छी मिलती है, हमने इसके बारे में 2-3 वीडियो बनाई हुई है। एक तो हमने पिछले साल वीडियो बनाई थी, हमारे एक प्लाट पर लगी हुई थी, उत्पादन काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही थी। और आप देख सकते हैं इसको हमने ड्रिप इरिगेशन के साथ लगाया हुआ है, मल्चिंग देकर के लगाया है। खरपतवार से समस्या से हमको काफ़ी कमी देखने को मिलती है। उस वीडियो पर मैंने पूरी एक्सप्लेन की है, बट हाँ इसको थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बता देता हूँ मैं। और बताना चाहूँगा मल्चिंग का उपयोग इसलिए करना चाहिए कि जो हम फर्टिलाइजर, जो हम जो खाद वाद जो दे रहे हैं हमारे पौधे को, वो खरपतवार ना ले, कहाँ से नहीं के ना ले, तो हमारे डायरेक्टली हमारे जो भी हम फसल ले रहे हैं उसमें हमारे जाए, इसलिए मल्चिंग का उपयोग करना चाहिए। हमारे किसान भाई को भी उपयोग करना चाहिए। तो देखिए आपको ये बोलना चाहूँगा, आप भी चाहे तो ये अंकुर सीड्स की तरफ से रेड इंपीरियर वैरायटी को लगाइएगा, बेनिफिट आपको काफ़ी अच्छा है। और हमारे किसान भाई को ये बोलना चाहूँगा, अब देखिए इसमें बीमारियाँ कौन कौन सी आती हैं। बीमारियाँ इसमें बेसिकली 3 बीमारियाँ आपको बहुत परेशान करें, मोटा कीड़ा हो गया, थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई के लिए भी, वाइट फ्लाई के थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको, शार्प, इनोवा या फिर सफीना का उपयोग कर सकते हैं आप थ्रिप्स के लिए उपयोग कर सकते हैं, PI कंपनी की तरफ से आने वाली किफन का या फिर मुद्रा का उपयोग करें। मोटा कीड़ा के लिए जंतर या फिर कॉस्को का उपयोग करिए। ये सब क्या करते हैं कि मोटा जो भी दवाइयाँ बताएं वो काफ़ी अच्छा काम करती हैं। फल फूल की क्षमता को बढ़ाने के लिए आप 13-45 का उपयोग कर सकते हैं। पत्तियों में देखिए पीलापन का भी आपको उस टाइम वीडियो मैंने बनाया था, शॉर्ट्स को कवर किया था मैंने, इस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं इस प्रकार से पीला कहीं कहीं आ रहा था हमारा पौधे में, तो हमने क्या किया था, मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया था। और देखिए PI कंपनी की तरफ से आने वाले बायोविटा का भी उपयोग कर सकते हैं। फल फूल की क्षमता बढ़ाने के लिए पिंचविन का भी उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे जो बता रहा हूँ आपको मैं। और फल को जल्दी से जल्दी बड़ा करने के लिए व्हाइट पोटास या फिर 0050 का उपयोग करिए। क्या करते हैं फल को बहुत ही जल्दी ग्रोथ देते हैं, जिससे हमारे किसान भाई जाकर के जल्दी से जल्दी मार्केट में सेल कर सकते हैं। और देखिए बीमारी कैसे पता करें, मचान तो दिए ही होंगे हमारे किसान भाई, अगर आप लगा रहे हैं बरसात के सीजन पर तो आपको मचान देना ही देना पड़ेगा, उत्पादन इससे काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप क्या करें, देखिए अगर आपको पता करना है कि कौन से हमारे में कौन से कीट पतंगे कौन से बीमारी लगे, तो अब इसको क्या करें, हिलाएं 2-3 बार। इससे क्या होता है कि देखिए अभी तो इसमें कुछ उड़े नहीं, इसमें किसी प्रकार की बीमारियां देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए आप इस प्रकार से हिला करके पता कर सकते हैं कि कैसे हमको जो भी कीट उट है उसको पता कर लिया जाए। तो आपको ये बताना चाहूँगा इसमें उत्पादन कैसे, फर्स्ट हार्वेस्ट में है ये हमको 50 किलो करीब उत्पादन, सेकंड हार्वेस्ट में 1 क्विंटल 20 किलो 30 किलो आसपास उत्पादन देता, अभी थर्ड हार्वेस्ट के लिए एकदम बिल्कुल ही रेडी हो चुकी, काफ़ी एक ही लाइन में 10 किलो करीब आपको फल दिख रहा होगा। देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इसमें फल आने आया हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से अगर इसका फल है तो हमारे किसान भाई को बेनिफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लाल कलर है इस वजह से थोड़ा मार्केट में भी बिकता अच्छा है। तो आई होप हमारे किसान भाई को पूरी जानकारी समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी कमेंट है सुझाव तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स बिल्कुल ही खाली रहता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। तो चलो दोस्तों, बस इतना ही।